आयत को चले दोबारा से पढ़ लेते हैं कि जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही वो मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थी। आमीन। कलाम खुदा के पढ़े और सुन जाने पर खुदा उनकी खास खास बरकत हो, खुदा उनका नायक शुक्र हो। मेरे सीसो आपको याद होगा कि पिछली दफा मैंने कहा था कि संडे को हम कलाम खुदा में से खुदावंद यीशु मसीह के तलक से मिलने वाली मुर्दों में से जी उठने वाली जो खुशखबरी है उसके तलक से हम सीखेंगे कि इस खुशखबरी में औरतों का क्या किरदार है। आमीन जी। खुशखबरी में खुदा के कलाम की प्रीचिंग में खुदावंद की खिदमत में औरतों का क्या किरदार है। हालेलुया जी। और आज का ये जो कलाम और पैगाम है ये खुसन बेटियों के लिए है, उन बहनों के लिए है, उन बुजुर्ग मामों के लिए है जो तरह तरह हिस्सा बाय हिस्सा जिस कदर भी उनके लिए मुमकिन है खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करती रहती है। और बिलखसूस उन बेटियों के लिए जो टेलीविजन चैनल की सूरत में या खुदा के घर में परस्तश में खुदा के कलाम को पढ़ने में या खुदावंद की दीवी तहरीक के तहत खुदा के कलाम को पेश करने में या चर्च के तलक से और कोई खिदमात जो है वो सर अंजाम देती है, आज का कलाम और पैगाम उनकी एनकरेजमेंट के लिए और हौसला अफजाई के लिए है। कहना ये चाहता हूं कि जब हम कलाम खुदा में से इस बात को देखते हैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। दुनिया के तलक से औरतों के हकूक के तलक से बहुत सारी बातें की जा सकती हैं और की जाती भी हैं, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो मर्तबा जो इज्जत खुदा ने खुदा के कलाम ने बेटियों को दी है औरतों को दी है खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं वो सारी दुनिया में बेमिसल है। खुदा का कलाम पैदाइश की पहली किताब के अंदर ही बयान करता है कि जब औरत को खुदा ने तख्लीक किया तो आदम के सर से नहीं किया, आदम के पांव से नहीं किया। और एक रबीस की तशरीह करता है, यहूदी रबीस की तशरीह करता है कि सर से खुदा ने इसलिए औरत को तख्लीक नहीं किया ताकि उसके अंदर हुक्मरानी करने का, चढ़ाई करने का गुरूर और तकब्बुर ना समा जाए। पांव से इसलिए तख्लीक नहीं किया कि उसको उसकी तजलील ना की जाए, उसे हकीर ना जाना जाए। खुदा का कलाम ये बयान करता है बल्कि पसली से लिया ताकि खुदा का कलाम ये बयान करता है कि उसको आदम के या मर्दों के खुदा बराबर रखे और बराबरी सतह पर उन्हें वो सारे इस्तेहकाक का और सारी बरकत दे जो खुदा ने आदम को दी थी। जो बराबरी सतह पे खुदा ने औरत को रखा है, अगरचे जब हम खुदा के कलाम में से फिर इसकी मजीद तकसीम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सर खुदा ने आदम को ही बनाया है, तो अभी खुदा का पाक कलाम बयान करता है, खुदा का कलाम ये बयान करता है, मुरब्बी बयान करता है कि खुदा ने हाथ से नहीं बनाया, ज़ाहरी किसी हड्डी से नहीं बनाया, वो सीधा से बनाया, इसलिए कि औरत जो है वो पोशीदा रखी जाने वाली जो है वो शख्सियत है। खुदा का कलाम ये बयान करता है और फिर दिल के करीब से लिया ताकि उसके साथ मोहब्बत की जाए। लिहाजा खुदा का कलाम मेरे से जो बयान करता है कि खुदा की ये शुरू ही से पाक मर्जी रही है कि जो इस्तेहकाकात जो बरकतें जो नेमतें जो बख्शिशें जो खिदमत आदम को मिली है हवा की बेटियों को भी वही मिली है। ये नता बात है कि जब हम माशरे में पढ़ते हैं तो उसमें खुदा ने नहीं खुदा के कलाम ने भी तफरीक नहीं की मर्दों और औरतों के दरमियान, बल्कि इंसानों ने अपने जाती मकासद के लिए अपने सियासी मामलात के लिए अपनी हुकूमत और बादशाहत के लिए ऐसा किया तो इसमें उन्होंने औरतों के भी रोक दिया। लेकिन खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब हम पाक कलाम को देखते हैं तो खुदा का कलाम बयान करता है कि जब हम मसीह यीशु में नए आदनाम में आते हैं तो वहां पे इस बात को और बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह से कि खुदा का कलाम बयान करता है कुलुस रसूल फरमाते हैं कि अब हम मसीह यीशु में ना कोई यहूदी है ना कोई यूनानी है ना कोई गुलाम है ना कोई आजाद है ना कोई मर्द है और ना कोई औरत है, इसलिए कि मसीह में सब खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां लगाएं इस बात की। तो ये है वो बैकग्राउंड मेरे मित्रों जिसके ऊपर हम आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। जब हम खुदावंद के कलाम में से औरतों की खिदमत को देखते हैं तो मेरे जी तो ये मामूली नहीं है। हम जानते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक कि जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ लिया गया था तो बहुत सारे शिगिर छोड़ के
मार गए। जब कोड़े मारे गए सनीम तक ले गए, खुदा का कलाम ये बयान करता है वहां पे सिर्फ एक शगिर्द नजर आता है और उसका नाम मुकद्दस यूहन्ना है। खुदा का कलाम बयान करता जब यसूस ने मरने से पहले जान देने से पहले मरियम को मां मरियम को उनके सुपुर्द कर दिया, वो भी उनको लेके अपने घर चले गए। लेकिन खुदा का कलाम कुछ औरतों के तरफ से बयान करता है कि ये यसु मसीह की मसलूबियत से, यसु मसीह की अदालत से लेके यसु मसीह के कोड़े खाने, सलीब उठाने और फिर खुदा का कलाम कहता है मर जाने बल्कि दफन होने तक जो है उसके पीछे पीछे रही है और उनके साथ साथ रही। लहजा खुदा का कलाम ये बयान करता है जब यसु मसीह को दफन कर दिया गया और हफ्ता के रोज छुट्टी के बाद आराम के दिन के बाद जब वो अपनी बाकी खिदमत को सर अंजाम देना चाहती हैं, क्योंकि आपको याद है कि जुमे के रोज जब यसु मसीह को दफन किया गया तो हफ्ते के रोज का आगाज होने वाला था, लिहाजा उन्हें जो बाकी रसूमात के अदा करने की इजाजत ना दी जो वो खुशबू वगैरह यसु मसीह के बदन पर लगा सकती, इसलिए उन्हें कहा गया कि बाद में आना। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब वो उस खिदमत के लिए जाती है, यहां पर भी इन औरतों के तलक से देखिए खुदा का कलाम ये बयान करता है बेटियों बेटियों के तलक से कि वो उस खिदमत के लिए तैयार होकर चली जाती है और सिनारियो क्या है, माहौल क्या है, पस मंजर क्या है, सारा माहौल जो वो खौफजदा है, लोग बड़े डरे हुए हैं रोमियों की वजह से, यहूदियों की वजह से, शगिर्दों के बारे में लिखा है उन्होंने डर के मारे दरवाजे बंद किए हुए थे खुदा का कलाम बयान करता है। लेकिन इन औरतों की दिलेरी देखिए खुदा का कलाम ये बयान करता है, इन्होंने किसी बात को खातर में, ये किसी बात को खातर में नहीं लाई, उन्होंने अपनी वो मुकर्रा तैयारी की और उन चीजों को लेकर खुदा का कलाम ये बयान करता कब्र की तरफ चली गई। मेरे से यहाँ पे पहली बात सीखने की ये है कि जो लोग वफादार होते हैं खुदा की खिदमत से वो वक्त और हालात के बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा खुदा पर अपनी निगाह लगा के रखते हैं और हमेशा खुदा उनकी खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हमारे चर्च के अंदर भी ऐसी बेटियां हैं, ऐसी बहनें हैं जो गर्मियों में सर्दियों में रात और दिन हमेशा खुदा उनकी खिदमत के लिए तैयार रहती हैं और उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। मैं खुदावंद में खुदा का खादिम होते हुए उन्हें ब्लेस करता हूं, बरकत देता हूं, मुबारक कहता हूं कि बड़ी खिदमत ये मुबारक है। खुदा का कलाम ये कहता है कि ये बड़ी मुबारक खाने वाली बात है, वक्त और हालात को देख के खिदमत नहीं की जाती, खुदावंद के फर्ज को मोहब्बत के साथ ये सारा कुछ किया जाता है। हालांकि वो जानती थी कि उनकी जान को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता था, चारों तरफ तो खतरा था। अगली बात, खुदा का कलाम बयान करता है कि जब वो घर से निकली तो सोच रही थी कि इतना बड़ा पत्थर जो वहां पे रखा गया उसको कौन हटाएगा, इतना बड़ा पत्थर वहां पे जो रखा गया है जो इसका वजन ही टनों के हिसाब से था उसको हमारे लिए कौन हटाएगा। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता जब वो कब्र पर पहुंची है तो पत्थर ऑलरेडी हटा दिया गया। हालेलुया, इसका मतलब मेरे से जो ये है कि खिदमत के अंदर जो मुश्किलात आती हैं चाहे वो किसी किस्म की क्यों ना हो, किसी किस्म की क्यों ना हो, हमारे रुपए पैसे के तलक से हो, हमारी और जरूरियात के तलक से हो, हमारे वक्त और हालात के तलक से हो, हमारी तालीम के तलक से हो या किसी और किस्म की मुश्किलात हो, खुदावंद इस बात पर कादर है क्योंकि वो फरमाता है तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से भी पहले जानता है कि तुम किन किन चीजों की जरूरत है। और अगर आज हम खालिस्तन ये औरतों के तलक से खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह है कि ईमानदारों के लिए भी ये बात है, बेटे बेटियां ईमानदार हैं, खुदा का कलाम यार करता जब उस खिदमत के लिए तैयार हो जाती है तो पत्थर पहले से हटा दिया जाता है, रुकावट पहले से दूर कर दी जाती है, हमें सिर्फ निकलने की और दलेर होने की जरूरत होती है। हालेलुया, खुदा का पाक कलाम बयान करता है हम शागिर्दों की जिंदगी में देखते हैं और रसूलों की अंबिया इकराम की जिंदगी में देखते हैं कि देखें जब सदरक बिशप अब्दुल नजू को बुजुर्ग दानियल को खुदा का कलाम ये बयान करता है कि भट्टी में डालने के लिए तैयारी की गई, शेरों की मांस में डालने के लिए तैयारी की गई तो वो इस बात के लिए परेशान नहीं क्योंकि हमारा क्या बनेगा, वहां क्या किया जाएगा, कौन हमारी हिफाजत करेगा। खुदा का कलाम बयान करता है सदरक बिशप अब्दुल नजू को बचाने के लिए एलाजादा खुद आ जाता है, खुदा का बेटा खुद उतराता है और दानियल को बचाने के लिए वो अपना फरिश्ता भेज देता है। हालेलुया, इसी तरह से ऐसे पत्थर जो हमारी खिदमत के ऊपर रखे हुए हैं, गौर से सुने में, जो हमारे ज़हनों पर रखे हुए हैं, हमारी सोचों ख्यालों पर रखे हुए हैं, बहुत सारे रस्म और रवाज के, जहालत के, बेदीनी के पत्थर हैं जो हमारी अकल के ऊपर पड़े हुए हैं लेकिन खुदा ने उनको रिमूव करने की कुदरत रखी है, खुदा के कलाम के अंदर इस बात की कुदरत है। खुदा का पाक कलाम कहता है पत्थर पहले से हटा दिया गया था ताकि उस खिदमत को जाकर सारी।
हालेलुया। और जरा इमेजिन करें कि उन्होंने किसी बात की कोई परवाह नहीं की, खुदा का कलाम कहता खिदमत के लिए चली गई है। तो फिर आगे देखें कि जब आप खुदा की खिदमत के लिए दलेर हो जाते हैं, खिदमत का बेड़ा उठा लेते हैं, मुश्किलात की परवाह नहीं करते, तो फिर आपकी जिंदगी में मौजजात वकूफजीर होते हैं। हालेलुया। उसने मैंने बताया था कि पत्थर इसलिए नहीं हटाया कि यीशु मसीह बाहर आ सके, बल्कि इसलिए कि औरतें अंदर जा सके और देख सके कि जिसकी वो खिदमत के लिए आए हैं उनके लिए कितना बड़ा मौजजा खुदा ने कर दिया। नामुमकिनात का खुदा, उन्हें खुशखबरी मिलती है। खुदा का कलाम ये बयान करता है जो खुदा की खिदमत के लिए निकल खड़े होते हैं, जो वक्त और हालात की परवाह नहीं करते, उनके लिए सारी मोहरें टूट जाती हैं, सारी मुश्किलात दूर हो जाती हैं। और पाक कलाम